गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग फोर इनपुट के मैप बनाएंगे। फाइन, तो को फोर इनपुट के मैप बनाने के लिए सबसे पहले तो हम के मैप का ग्रिड तैयार करेंगे। अगर फोर इनपुट है तो हमारा फोर इनपुट फोर मैट्रिक्स में भी 16 सेल बनाने होंगे। 16 सेल लाइक दैट, जस्ट सी। ये आपका हो गया 16 ग्रिड्स। नाउ अब इनको दो वेरिएबल्स, हमारे चार वेरिएबल हैं, तो उनको डिवाइड कर लेंगे टू पार्ट में, ए बी एंड सी डी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ए बी एंड सी डी ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये टेबल में को बनाने के लिए एक रूल होता है, ये जो आपका है कि मैप हमेशा वन बिट चेंजेस एक्सेप्ट करता है। तो नॉर्मल जब हम टेबल बनाते हैं तो हम करते हैं एक्स वाई जेड, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो वन। तो अब आप अगर इससे ध्यान से देखें कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने पर वन बिट का चेंजेस है, बट इस यानी कि सेकेंड पोजीशन ज़ीरो से वन पे वन बिट हो रहा है, लेकिन वन से टू पर आने पर टू बिट्स हो जा रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में हमारी जो टेबल है वो स्वैप हो जाएगी। स्वैप हो जाएगी मतलब हम जब टेबल बनाएंगे तो रूल फॉलो करेंगे 00 01 11 एंड 10। तो यहाँ पर जो हमारी टेबल जो इसमें बनेगी ग्रिड के अकॉर्डिंग आपकी होगी 00 01 11 एंड 10। सेम फैशन ऊपर भी हम ऐसे ही बनाएंगे 00 01 11 एंड 10। और ग्राफिकल अलजेब्रा जो उतारेंगे तो ए निगेशन बी निगेशन यहाँ पर होगा, ए निगेशन बी, ए बी और ए एंड बी निगेशन। सेम फैशन ऊपर भी हमारा वही चलेगा, सी और डी निगेशन, सी निगेशन डी, यहाँ पे हो जाएगा सी और डी, यहाँ पर हो जाएगा सी और डी निगेशन। तो अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू इनपुट करेंगे तो सेल लोकेशन भी चेंज होगा, क्या हो जाएगा 0 1 2 3। आपने देखा कि 0 1 अपनी पोजीशन पे था, 2 3 अपने में स्वैप हो गया, फिर आपका हो गया 4 5 6 7 8 9 10 11 then 12 13 14 and 15। मतलब ये वाली रो आपस में एक्सचेंज हो गई, ये वाला कॉलम आपस में एक्सचेंज हो गया। अब हम ऊपर के गिवन मिन टर्म्स वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वहाँ पर सबसे पहले ज़ीरो है, यहाँ पर सिग्मा लगा है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है एस ओ पी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन पे हम उस सेल पर्टिकुलर सेल पे वन इनपुट करेंगे, तो 0 पे 1, देन 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 1, देन 4 के बाद 5, 5 पे हमने 1 पुट किया, देन वी विल बी पुट 1 इन 11, देन आफ्टर दैट 12 एंड 13 पे 1। अब हमने जब अपने लोकेशंस पे 1 पुट कर लिया तो अब हम चेक करेंगे कि इसमें पेयर बन रहा है, क्वाड बन रहा है या ऑक्टल बन रहा है। पेयर 2 का होता है, क्वाड 4 का होता है, ऑक्टल 8 का होता है। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पहला देखिए। फर्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो आपका ये पेयर बन रहा है, आपका दूसरा पेयर ये बन रहा है, तीसरा जब हम नीचे देखते हैं तो ये देखिए कि एक क्वाड बन रहा है। तो हमने क्या किया, ओवरलैपिंग से एक क्वाड बना दिया। नाउ अब ये वाले सेल को अगर देखते हैं तो इसके लेफ्ट राइट अप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे आपने देखा है वैल्यू है। इसका मतलब मैप रोलिंग से एक और हमारा पेयर बन रहा है, मतलब ये और ये। तो अब आप चलिए इसको कैसे इसको चेक करेंगे। सबसे पहले पेयर 1, पेयर 1 की पोजीशन में अगर हम चेक करते हैं तो हमें मिल रहा है M0 प्लस M4।
इसका एल्जेब्रिक हमें क्या मिल रहा है, एल्जेब्रिक कैसे पता करेंगे, हम ऐसे देखेंगे इनके पर्टिकुलर सेल को देखेंगे। तो हमने देखा ए और ए निगेशन कॉमन है, तो आपने रूल पढ़ा है ए निगेशन डॉट ए निगेशन अगर है तो वैल्यू ए हो जाएगी, ए डॉट ए निगेशन है तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब इस सिचुएशन पे वैल्यू चेंज होगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, उसी पोजीशन पे जाके हम वैल्यू को चेक करेंगे। तो ए निगेशन है तो हमने क्या किया, ए निगेशन, बी निगेशन बी है तो ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको नहीं उठाएंगे। अब नाउ ऊपर देखा तो ये सेल में दोनों में वैल्यू कॉमन है, तुम्हारा हो जाएगा सी निगेशन एंड डी निगेशन। तो फर्स्ट पेयर का अल्जेब्रिक हमें मिल गया, दूसरा का हम चेक करने पहुँचे सेकेंड पेयर। सेकेंड पेयर में हमारे पास सेल लोकेशन क्या है, पहला अगर ये देखेंगे तो दोनों सेल में लोकेशन है ए निगेशन एंड बी निगेशन। अब हम इसको चेक करते हैं, तो आप देखिए सी और सी कॉमन है तो हमने सी ले लिया, डी और डी निगेशन रिड्यूस हो रहा है। नाउ अब हमारे पास पोजीशन आती है क्वाड की, क्वाड पे आए, क्वाड को अगर हमने चेक किया तो आप खुद देखिए क्या हो रहा है, ये सेल और ये सेल में अगर हम देखेंगे तो ए निगेशन ए यानी ये रिड्यूस हो रहा है, पर बी कॉमन है तो हम यहाँ पर बी ले लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो सी और सी निगेशन आपने देखा कॉमन है तो हमने सी निगेशन यहाँ पे उतार लिया, पर डी और डी निगेशन आपका रिड्यूस हो जा रहा है हर सेल में, तो हमारा ये पोजीशन रिड्यूस मिलेगी। अब अगर हम जाते हैं थर्ड पेयर पे, थर्ड पेयर पे अगर हम आते हैं तो आप खुद देखिए थर्ड पेयर क्या कर रहा है, थर्ड पेयर की पोजीशन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हमने एक चीज़ देखा, यहाँ पर फर्स्ट सेल यानी ए निगेशन एंड ए ये रिड्यूस हो रहा है, दूसरा हमने देखा बी निगेशन, बी निगेशन कॉमन है तो हमने यहाँ पे बी निगेशन उतार दिया। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हमें मिल रहा है सी और डी, फाइन। तो अब अगर हम इसको एल्जेब्रिक फॉर्म पे लिखेंगे, अगर हमारा एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए निगेशन सी निगेशन डी निगेशन प्लस हमें मिल रहा है ए निगेशन बी निगेशन सी प्लस हमें मिल रहा है बी एंड सी निगेशन प्लस बी निगेशन सी और डी। ये हमारा हो गया एसओपी, ये हमारा निकल के आ गया एसओपी ऑफ के मैप। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल मेक अ के मैप। थैंक यू सो मच।